एक पेन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और हम पहले से ड्राई सोयाबीन को हम 5 मिनट तक पानी में नमक डालकर उन्हें हमने बॉईल किया है और अच्छे पानी से 3-4 बार इन्हें हमने धोकर एकदम टाइट स्पेस देते हुए इनका पानी निकाल दिया। अब हम इन्हें हम ऑयल में हल्का फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन होने तक। फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाउल में निकालेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल और लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा फ्राई हो चुका है। 1 टीस्पून महीन कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कद्दूकस की हुई अदरक ऐड करेंगे। महीन कटे हुए 2 प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। महीन कटे हुए 4 टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाते हुए हम ढक कर रख देंगे गैस को कम करके, और बीच बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे। अब हम बीच में चेक करेंगे, 2-4 मिनट टमाटर प्राय लगभग पक चुके हैं। जब टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो साइड से ऑयल दिखने लग जाएगा। देखिए ऑयल लगभग दिखने लग गया है। 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। अब टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। 2 महीन कटी हुई छोटी हरी मिर्च, 1 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 3/4 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब जो हमने फ्राई किए हुए सोयाबीन है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। नमक स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि पहले डाला हुआ है। और सॉस, चिल्ली सॉस हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। ड्राई सोयाबीन रेडी है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें महीन कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। स्पाइसी ड्राई सोयाबीन रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।